Good morning students. Today we will discuss about the nervous system of the cockroach. Cockroach का हम nervous system study करेंगे. देखिए अर्ली lecture में हमने discuss किया है elementary canal के बारे में, हमने discuss किया circulatory system के बारे में, हमने discuss किया respiratory system के बारे में. ठीक है, आज हम बात करेंगे nervous system के बारे में. यदि आपने earthworm का nervous system ढंग से पढ़ा है, ढंग से समझा है, तो आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. आपने यदि earthworm नहीं पढ़ा है फिर भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आपने वो देख लिया होता तो आपको अर्थवर्म भी क्लियर हो जाता, ये भी आपको क्लियर हो जाता. तो पीछे वाला वीडियो देखिए, जिसने नहीं देखा है फिर भी वो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझने की कोशिश करे, ये सिस्टम भी आपको समझ में आ जाएगा. राइट, चलो स्टार्ट करते हैं. अर्थवर्म की तरह है कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर भी तीन पार्ट प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से पार्ट होंगे, ओब्वियसली आपका यहाँ लिख देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम. तीन पार्ट्स होते हैं. आपकी बुक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही दिया हुआ है. ठीक है, तो अपन को पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जनरल जो फीचर्स हैं, जनरल एक दो लाइन के अंदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो अपन देखेंगे. डिटेल के साथ हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसमें दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है आपका नर्व रिंग और सेकेंड पार्ट होता है नर्व कॉर्ड. नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड. अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा कि सर नर्व क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है. यदि आपको नर्व और न्यूरॉन नहीं पता है तो पीछे वाली क्लास देखो, जिसमें हमने टिश्यू वाले चैप्टर के अंदर न्यूरल टिश्यू पढ़ा था, अपने वहाँ पे गेंगलिया पढ़ा था. बार बार अपन ये सब वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए. गेंगलिया अपन वर्ड कहाँ यूज़ करते हैं कि बहुत सारे न्यूरोन्स जब मिलते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, गेंगलिया के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्व रिंग क्या होती है, कैसे बनती है. ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका कॉकरोच है, इसका ये हेड वाला पोर्शंस है, बाकी ये पीछे वाला पोर्शंस होता है. ठीक है, सबसे पहले हम नर्व रिंग क्या होती है और ये कैसे बनती है इसकी अपन स्टडी करेंगे. बात यहाँ तक समझ में आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे. देखिए आपकी यहाँ पर इसका माउथ होता है और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी, समझ आई बात. ठीक है, इस एलिमेंट्री कैनाल में फेरिंग्स वाला जो पोर्शंस है ना, फेरिंग्स वाले पोर्शंस के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फेरिंग्स वाला जो पोर्शंस है उसके ऊपर वाले पोर्शंस की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे एक न्यूरॉन है. अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर्स मुझे आप पूछोगे तो मैं बता देता हूँ आपको, कुछ यूं स्ट्रक्चर्स आपको नजर आती होगी, यही पढ़िए ना आपने. इसको अपन क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, साइटोन. ठीक है, ये आपका एक्सोन होता है, ये नर्व एंडिंग्स होती है. तो ये आपका एक सेल बॉडी है, ये एक दूसरा है और ये एक तीसरा है. यानी अपन ये कह सकते हैं कि तीन यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं. ठीक है, तीन न्यूरॉन्स हैं तो इसके यहाँ से क्या निकलेंगे भाई, इसके भी निकलेंगे, क्या निकलेंगे, एक्सोन्स वगैरह, एक्सोन्स निकलेंगे ना, टर्मिनल्स एंड निकलेंगे ऐसे, इसके इधर से भी निकलेंगे, इधर से भी निकलेंगे, इसके इधर से भी निकलेंगे ऐसे. बात समझ में आ रही है, ठीक है. ये तीन जो न्यूरॉन्स हैं ये फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर्स बना देती है, ये फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद में जो स्ट्रक्चर्स बनती है इसको अपन नाम देते हैं, नाम चलो बाद में बता देंगे आपको, ठीक है ना, एक साथ बता देंगे. अब ऐसे ही नीचे की तरफ आपको तीन न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ आ रही बात. यानी ऊपर तीन न्यूरॉन्स हैं वो फ्यूज हो गए और एक स्ट्रक्चर बना ली उन्होंने, यहाँ से उसके एक्सोन टर्मिनल निकले और जाकर के कनेक्ट हो गए किसके साथ में, तीन अलग अलग न्यूरॉन नीचे और पड़े हुए हैं. ये साइड आपकी कौन सी है, डॉर्सल साइड है, ये आपकी कौन सी साइड है, वेंट्रल साइड है. ठीक है ना, अभी अपने जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था कुछ समझ में आया आपको, ऐसा ही कुछ अपने डायग्राम वहाँ पे बनाया था. यहाँ पे हार्ट अपने दिखाया पेरिकार्डियल साइनसेस के अंदर, बीच में हमने क्या दिखाया था, पेरी विसरल पार्ट दिखाया था और नीचे पेरी न्यूरल पार्ट दिखाया था. उस समय हमने आपको बताया था कि पेरी न्यूरल पार्ट होता है उसमें वेंट्रल साइड में क्या पड़ी रहती है, नर्व कॉर्ड पड़ी रहती है. यही नर्व कॉर्ड तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे. और इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे आपका हेड साइनसेज होता है. इस हेड साइनसेज में आपकी क्या पड़ी है भाई, नर्व रिंग पड़ी हुई है और नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड आपस में कनेक्टेड है.
यही चीज पढ़ी अपने, ठीक है। अब यही पढ़ रहे हैं कि नर्व रिंग कैसे बन रही है। तो एक तो क्या हुआ कि तीन न्यूरॉन्स ऊपर मिलकर के फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बना ली, और ऐसे ही ये तीन नीचे वाले जो न्यूरॉन्स हैं मिलकर के फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। बात समझ में आई क्या मेरी? ठीक है। और ये जो आपस में जो न्यूरॉन हैं ऊपर वाले नीचे वाले जो मिल रहे हैं और आपस में, ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं? इस स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये फेरिंग्स के ऊपर है, तो हम इसका नाम दिया सुपरा फेरिंजियल। क्या नाम दिया? सुपरा फेरिंजियल नर्व। नर्व तो नहीं कह सकते इसको, गेंगलिया अपन कह देंगे, सुपरा फेरिंजियल गेंगलिया। गेंगलिया क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था फ्यूजन ऑफ या ग्रुप ऑफ क्या नर्व, यानी बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्व होते हैं उनका जब फ्यूजन हो जाता है तो क्या बनते हैं? गेंगलिया बनता है। तो यहाँ पे एक गेंगलिया बना है, ये फेरिंग्स के ऊपर है, इस वजह से नाम हमने दिया सुपरा फेरिंजियल गेंगलिया, ठीक है। ये फेरिंग्स के नीचे बना है तो इसको नाम क्या दे दिया? सब, सब यानी नीचे, सब फेरिंजियल गेंगलिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आएगा? तो आप इससे इतना याद रखें कि फेरिंग्स के ऊपर वाला पोर्शन है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड गेंगलिया। ये भी गेंगलिया है, ये भी गेंगलिया है, लेकिन ये फेरिंग्स के ऊपर है तो सुपरा फेरिंजियल गेंगलिया। फेरिंग्स के ऊपर है, फेरिंग्स के नीचे है सब फेरिंजियल गेंगलिया, इसको नाम दे दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन है उसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन देखो क्या लिखेंगे, ये कनेक्ट वाला पोर्शन सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव। ये गेंगलिया नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ऊपर वाले गेंगलिया हैं, नीचे वाले गेंगलिया हैं, लेकिन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो पोर्शन है उसको अपन सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव के नाम से जानेंगे। ये आपका सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव है। अब आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर्स अब क्या बनी, एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स बनी कि नहीं बनी? भाई एक रिंग है, ये आप रिंग देख रहे हैं, एक पार्ट इसका ये है और एक पार्ट ये है, दोनों को इसने क्या कर दिया? इधर से कनेक्ट कर दिया। देखिए एक मिनट दिखाई देते हैं हम आपको, ये देखिए इधर से बीच में से क्या निकल रही है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल निकल रही है, दिख रहा है ना? थोड़ा पास आ जाता हूँ मैं आपके। देखिए यहाँ पे ये आपकी क्या है, एक रिंग है जिसमें ये एलिमेंट्री कैनाल पास आउट हो रही है। इस एलिमेंट्री कैनाल में ये वाला पोर्शन फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है जो गेंगलिया है इसको अपने क्या नाम दिया है? सुपरा फेरिंजियल गेंगलिया। इसके नीचे वाला है जो फेरिंग्स के नीचे है सब फेरिंजियल गेंगलिया हमने कह दिया। इन दोनों को पोर्शन को ये कौन जोड़ रहे हैं? कनेक्टिव जोड़ रहे हैं, और कनेक्टिव जोड़ने के बाद में आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, और ये स्ट्रक्चर्स क्या बन गई? आपकी एक रिंग स्ट्रक्चर्स बन गई है, तभी अपन इसको क्या कहते हैं? नर्व रिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी क्या बन गई भाई? नर्व रिंग बन गई। बात आ गई समझ में यहाँ तक? ठीक है। अब क्या होगा, जो सब फेरिंजियल जो गेंगलिया है, यहाँ से हम इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से सब फेरिंजियल जो गेंगलिया है यहाँ से आपके नर्व निकलेंगे, ऐसे डबल निकलेंगे भाई, ऐसे इधर निकलेंगे और एक इधर निकलेंगे। जगह जगह पे क्या होगा, ये फ्यूज होंगे, 1 2 3 ऐसे कुछ। ये जो फ्यूजन वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? गेंगलिया। ये गेंगलिया है और ये आपका नर्व कोड है। अब आपका जो नर्व कोड आपको देखने को मिलेगा, इसका स्पेशल फीचर्स क्या है भाई? ये नर्व कोड है, एक तो आपको वेंट्रल साइड में मिल रहा है, ठीक है, सॉलिड मिल रहा है, डबल मिल रहा है। देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मैं लिख दूँ यहाँ पे डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कोड। और ये क्या है? जगह जगह गेंगलिया है ना, गेंगलियोनेटेड भी अपन इसको कह देंगे, गेंगलियो नेटेड। यानी इसका जो नर्व कोड है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? गेंगलियो नेटेड नर्व कोड देखने को मिलेगा, ठीक है। बोले समझ में आ गया? अब ये जो गेंगलिया है जो फ्यूज होने के बाद जो स्थिति बन रही है ये आपकी बनेगी 3 + 6 = 9। यानी तीन गेंगलिया आपको थोरेसिक चैम्बर में मिलेंगे और 6 गेंगलिया आपको एब्डोमन वाले चैम्बर के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। बात आई क्या समझ में? यानी ये
नौ गैंगलिया इसके अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। गैंगलिया समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बार बार बड़े अपन यूज कर रहे हैं। गैंगलिया का मीनिंग है कि आपका जो न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं। दो नर्व कोर्ड निकल रही है, एक ऊपर निकल रही है एक नीचे निकल रही है। ये नर्व कोर्ड जगह जगह पे क्या हो रही है, फ्यूज हो रही है, गैंगलिया बना रही है। तो अपने पास डबल नर्व कोर्ड है, सॉलिड है, वेंट्रल में है। ये कौन सी जगह है, कौन से साइनस में, यदि अपना सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से बात करें पेरीन्यूरल साइनस के अंदर है। नीचे वाला सेगमेंट है ये, है ना, ये नीचे वाला सेगमेंट है, ये बीच वाला हो गया, ये ऊपर पेरिकार्डियल हो गया, ये नीचे वाला सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। बात यहाँ तक समझ में आई क्या, हमने क्या पढ़ लिया भाई, हमने नर्वस रिंग पढ़ ली, हमने नर्वस कोड भी पढ़ लिया, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम सॉरी नर्वस सिस्टम क्या हुआ, खत्म हुआ। इतना ही है, कोई ज़्यादा महाभारत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि तीन गैंगलिया आपको कहाँ मिलेंगे, थोरेसिक वाले चैम्बर में मिलेंगे। छः गैंगलिया आपको कहाँ मिलेंगे भाई बोलो से, छः कहाँ मिलेंगे, छः आपको मिलेंगे एब्डोमन वाले पोर्शन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं हम आपको, ये जो सुप्राफेरेंजल जो गैंगलिया है जो तीन यहाँ से मिलकर के बना है, डोर्सल साइड में होता है, यही इसका कॉकरोच का ब्रेन होता है, यही कॉकरोच का ब्रेन होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ब्रेन वाला पोर्शंस है ये हेड के अंदर है। हेड के अंदर आपका जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कहाँ पड़ा हुआ है, आपके थोरेसिक और एब्डोमन वाले पोर्शन के अंदर पड़ा हुआ है, थोरेसिक और एब्डोमन वाले पोर्शन के अंदर पड़ा हुआ है। और आपका जो हेड वाला पोर्शन है उसमें नर्वस सिस्टम का बहुत छोटा सा पार्ट पड़ा हुआ है जिसको अपन ब्रेन कहते हैं। तभी तो कहते हैं कि उसका यदि थोरेसिक वाले पार्ट से एब्डोमन वाला पार्ट यदि अलग हो सॉरी थोरेसिक वाले पार्ट से हेड वाला पोर्शन यदि कॉकरोच का अलग हो जाता है, कट जाता है, तो कई दिन तक वो जिंदा रह सकता है। सुना ना आपने, क्यों रह सकता है, ये यही रीजन है इसका कि इसके अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम इसी के अंदर पड़ा रहता है। नर्वस सिस्टम तो पूरा यहीं पड़ा रहता है, इसके अंदर तो सिर्फ इतना सा पोर्शन है, ठीक है ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ब्रेन अपन किसको कहेंगे, सुप्राफेरेंजल गैंगलिया, इसी को अपन ब्रेन कहते हैं, सब फेरेंजल गैंगलिया को ब्रेन नहीं कहते हैं। बात आएगी क्या समझ में, ठीक है। ये तीनों एक नर्व रिंग के अंदर कितने पोर्शन होंगे, तीन पोर्शन होंगे, सुपरा फेरेंजल गैंगलिया, सब फेरेंजल गैंगलिया और सर्कम फेरेंजल कनेक्टिव्स, ये तीनों मिलकर के एक नर्व रिंग बनाती हैं। नर्व रिंग से क्या निकलती है, आपकी नर्व कोड निकलती है, नर्व कोड होगी जिसके अंदर वो गैंगलियोनेटेड होंगी यानी गैंगलिया बनाएगी। कितने गैंगलिया होंगे, नौ गैंगलिया होंगे, 3+6 पैटर्न के अंदर मिलेंगे, तीन आपको मिलेंगे थोरेसिक पोर्शन के अंदर, छह मिलेंगे आपको एब्डोमेन वाले पोर्शन के अंदर, टोटल नौ होते हैं। ये नंबर्स आपको बहुत ज़रूरी है याद कर दें, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चंस बन सकता है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ से ये जो गैंगलिया है यहाँ से क्या निकलेगी, नर्व निकलेगी ऐसे ऐसे जी, ये लो जी ऐसे ही यहाँ निकलेगी ऐसे। ये कहाँ जाएगी, ये जो आपके जो ऑर्गन्स है ना उन ऑर्गन्स के साथ जाएगी, उन ऑर्गन्स को जाएगी सब के सब। चलो यहाँ से तो ठीक है, यहाँ भी तो गैंगलिया है तो यहाँ गैंगलिया, तो यहाँ क्या दिक्कत हुई, यहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ से भी नर्व निकलेगी, यहाँ से। अब जो नर्व निकलती है इसके अलग अलग नंबर्स होते हैं, अलग अलग पेयर्स होते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपका सुपरा है, ये सब फेरेंजल गैंगलिया है, यहाँ से भी नर्व निकलेगी। ये नर्व निकल के कहाँ जाएगी बोलो, कहाँ जाएगी, ये आपके जाएगी एंटीना के पास। भाई ये वाला हेड वाला पोर्शंस में कौन है, एंटीना है, सेंसरी फंक्शन करता है, ये इसके कंपाउंड आइज के अंदर जाएंगी, जाएगी नहीं देखिए, ये माउथ पार्ट्स के अंदर जो आपका लेबल वाला पोर्शंस होता है ये उधर जाएगी, यानी ये माउथ वाले पोर्शंस को कवर करेगी और यहाँ से जो निकलेंगी वो आपके थोरेसिक और एब्डोमन वाले पोर्शंस को कवर करेगी। और इस तरीके से ये यहाँ से यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व निकलती हैं और बॉडी के वेरियस पार्ट को कनेक्ट करती है, वही तो आपका क्या है भाई, PNS है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, जो भी नर्व्स वहाँ से निकलती हैं, वो नर्व्स क्या बनाती हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। बात यहाँ तक समझ में आई है तो हाँ भरो और आगे चलते हैं। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बाद में क्या आता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बाद में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि नर्वस सिस्टम और जो एंडोक्राइन फंक्शन दोनों काम करता है, यानी एंडोक्राइन वाला फंक्शन भी करता है यानी हॉर्मोन्स वाला फंक्शन भी ये करता है और नर्वस सिस्टम वाला फंक्शन भी करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, दो पार्ट होते हैं, नर्व रिंग होता है, नर्व कोर्ड होता है, ठीक है। नर्व रिंग कैसे बनती है हमने पढ़ लिया है, ठीक है।
तीन आपके न्यूरॉन से फ्यूजन होता है, ठीक है, एक गैंग्लिया बनता है, तीन न्यूरॉन के फ्यूजन से एक गैंग्लिया नीचे बनता है, एक आपके डोर्सल साइड में बनता है, एक आपके वेंट्रल साइड में बनता है। डोर्सल साइड वाले को अपन सुपरा फेरिंजियल गैंग्लिया कहते हैं क्योंकि ये फेरिंग्स के ऊपर होता है। नीचे वाला जो है वेंट्रल साइड के अंदर होता है वो क्या होता है, फेरिंग्स के नीचे होता है। सब फेरिंजियल गैंग्लिया के नाम से उसको अपन जानते हैं। सुपरा फेरिंजियल सब फेरिंजियल को कनेक्ट करने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, फेरिंजियल कनेक्टिव के नाम से जानते हैं, सरकम फेरिंजियल कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। ये तीनों मिलकर के नर्व रिंग बनाती हैं, ठीक है। फिर आपके सब फेरिंजियल गैंगलिया से दो नर्व कॉर्ड निकलती हैं, जगह जगह ये क्या होती हैं, गैंगलियोनेटेड होती हैं, गैंगलिया बनाती हैं। गैंगलिया जो टोटल होते हैं नौ गैंगलिया होते हैं, तीन आपके थोरेसिक वाले पोर्शन में होते हैं, छः वाले आपके एब्डोमेन वाले पोर्शन में होते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से जो नर्व निकलती हैं बॉडी के वेरियस पार्ट्स को जाती हैं, ये सब मिलकर के क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। आपका नर्वस सिस्टम खत्म, बस इतना सही है। मेन मेन चीज़ है जो हमने डिस्कस कर ली है, इससे सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम हाँ दो तीन चीज़ और बच गई, उसको अपन डिस्कस करना ज़रूरी है। एक मिनट, सेंसरी जो पार्ट है ना, इसका जो सेंसरी पार्ट है, सेंसरी पार्ट कहाँ होगा इसका, देखते हैं कौन कौन से सेंसरी पार्ट होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आपका नर्वस सिस्टम खत्म करते हैं। एक पोर्शन और रह गया है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, डायग्राम जरूर बनाएं अच्छे से। डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो डायग्राम को आप अच्छे से बना लें, आपने नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं सेंसरी स्ट्रक्चर की यदि बात करूं तो इसके अंदर एक आपकी होती है कंपाउंड आइज, ठीक है, एक आपका होता है एंटीना, और मैक्सिलरी पल्प होता है, लेबियल पल्प होता है, और एक लास्ट पार्ट जो होता है इसका, इसमें यहाँ पे ऐसे कुछ जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है जिसको अपन एनल सर्की के नाम से जानते हैं। ये पांच सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, नाम याद रखना, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, कौन कौन से होते हैं। एक आपका सबसे पहले कंपाउंड आइज होता है, ठीक है, उसके बाद में आपके एंटीना होते हैं, ठीक है, उसके बाद में आपके क्या होते हैं, मैक्सिलरी पल्प होती हैं, ठीक है, लेबियल पल्प होती है ना, मैक्सिलरी पल्प और लेबियल पल्प याद है ना, ये दोनों सेंसिटिव वाले पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट के अंदर होते हैं, और एक आपका सबसे लास्ट के अंदर होता है यहाँ पे एनल सर्की होते हैं। ये पांच सेंसरी स्ट्रक्चर्स आती हैं। अब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सेंसरी स्ट्रक्चर के बारे में भी अपन को पता होना चाहिए, तो पांच के बारे में हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, कंपाउंड आइज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हेड वाले पोर्शन की बात करें तो हेड वाला पोर्शन कैसा है, कुछ ऐसा ट्राइंगुलर शेप्स के अंदर होता है, ठीक। यहाँ पे क्या होते हैं, इसके अंदर सॉकेट्स होते हैं जिसमें एंटीना लगे होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं इसके अंदर, कंपाउंड आइज आपको देखने को मिलती हैं। अब कंपाउंड आइज जो होती हैं इसके पास में एक पेयर के अंदर स्मॉल आइज यानी सिंपल आइज भी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं, सिंपल आइज भी प्रेजेंट होती हैं। एक्चुअल में सिंपल आइज है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसको अपन ओसेल्स के नाम से जानते हैं, ओसेल्स। ये सिंपल आइज जो होती हैं जिसको अपन ओसेल्स कहते हैं, ये इमेज का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, है ना, अपने इसको मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, इमेज का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, ये सिर्फ क्या करती है, लाइट को डिटेक्ट करती हैं, सिर्फ लाइट को डिटेक्ट करने का काम करती हैं, इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। नाम इस सिंपल आइज को क्या दिया है, ओसेलस, राइट। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड आइज की। मान लीजिए ये आपकी एक कंपाउंड आइज है, ठीक है, इस कंपाउंड आइज के अंदर नंबर ऑफ आपको हेक्सागोनल रिंग्स देखने को मिलेगी, हेक्सागोनल रिंग्स। हेक्सागोनल रिंग का मतलब क्या हो गया भाई, छह इसमें साइड होंगे, नंबर में कितने होंगे, नंबर में आपको 2000 ये नंबर देखने को मिलेंगे। इन हेक्सागोनल रिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, एक पर्टिकुलर नाम है इसका, ओमाटीडियम, ओमा टीडियम, या सिंगुलर होगा तो ओमा टीडिया हो जाएगा, ओमा टीडियम। नंबर में कितने होते हैं, 2000 के लगभग हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, किसके अंदर, कंपाउंड आइज के अंदर होती हैं। जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरती है ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक होने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद में, इसके अंदर क्या होता है कि हर एक जो रिंग होती है वो हर एक पार्ट की इमेज बनाती है। ध्यान से सुना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, जिसको अपन मोजेक विजन कहते हैं ना, कि कंपाउंड आइज जो है इनके अंदर मोजेक विजन बनता है। मोजेक विजन का मीनिंग क्या हुआ कि इसके अंदर ऐसे 200 के लगभग क्या होती हैं, ऐसी रिंग्स होती हैं, ठीक है। मान लीजिए एक मेरी स्ट्रक्चर है, मैं
उसके सामने खड़ा हूँ तो मेरी जो इमेज बनेगी ना, तो वो क्या करेगा, हर एक जो पार्ट है, हर एक हेक्सागोनल जो रिंग है, हर एक ओमाटीडियम जो है ना, वो क्या करेगी, अलग अलग पार्ट की इमेज बनाएगी। मान लीजिए हेड है, एक ने हेड की इमेज बनाई, एक ने ये माउथ वाला पोर्शन की बनाई, एक ने नेक की बनाई, एक ने हैंड की बनाई, यानी अलग अलग टुकड़े, यानी 2000 ये समझ लीजिए कि 2000 टुकड़े कर देते हैं इसके, ठीक है, इमेज के, और इमेज के 2000 टुकड़े ये सब अलग अलग बनाते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि नाइट के अंदर स्पेशली नाइट विजन जो होता है ना, नाइट के अंदर है अच्छा विजन इसको देखने को मिलता है, उस स्ट्रक्चर जो होती है उसकी अच्छी इमेज उसको देखने को मिल सकती है। कब, स्पेशली नाइट के अंदर, तो नाइट के अंदर ये देखने में हेल्प करते हैं। इस टाइप के जो विजन होता है उसको हम मोज़ेइक विजन के नाम से जानते हैं। मोज़ेइक विजन की कहानी समझ में आई क्या? इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये मोर सेंसिटिव होते हैं, लेकिन रिजोल्यूशन जो इमेज का होता है वो क्या होता है, कम होता है। रिजोल्यूशन का मीनिंग ये है कि इमेज को कितना ज़्यादा क्लियर दिखा पाता है वो। क्लियर देखना है क्या, उसको कोई इमेज सेल्फी थोड़ी लेनी है उस फूड के साथ में या जो भी उसके सामने दिख रहा है, उसका रिजोल्यूशन कम होता है। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, मोज़ेइक विजन के अंदर जो इमेज बनती है उसका रिजोल्यूशन तो कम होता है लेकिन सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा सेंसिटिविटी होने की वजह से क्या होती है, उसकी जो इमेज है वो अलग अलग कंपार्टमेंट इसके जो ओमाटीडियम है वो बना देते हैं। इमेज उसको अच्छी दिखती है, उसको पता लग जाता है कि ये फूड यहाँ पे है या फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका रिजोल्यूशन जो होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, कम होता है। इस सक्सेस को अपन क्या कहते हैं, ओमाटीडियम कहते हैं। इस टाइप का जो विजन होता है उसको अपन मोज़ेइक विजन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, बस यही कंपाउंड आइज के अंदर अपन को ध्यान में रखना है। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, कंपाउंड आइज में आपको क्या याद करना है कि कंपाउंड आइज होती हैं, उसके पास में एक पेयर स्मॉल आइज भी होती हैं, सिंपल आइज भी होती हैं, जिसको अपन ओसेलस के नाम से जानते हैं। ओसेलस जो वाला पोर्शन जो होता है वो लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है, इमेज का फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं होता है। कंपाउंड आइज होती हैं उसमें 2000 के लगभग, 2000 के लगभग हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। उन हेक्सागोनल रिंग्स को हम क्या कहते हैं, ओमाटीडियम के नाम से जानते हैं। ये जो ओमाटीडियम होता है, ये जो ओमाटीडियम होता है ये क्या करता है, इमेज बनाता है, लेकिन इमेज एक इमेज है उसके टुकड़े कर लेते हैं। जैसे 2000 के लगभग ओमाटीडियम है तो 2000 टुकड़ों के अंदर उसकी इमेज को बनाते हैं और फिर उसको एक साथ जोड़ करके उस इमेज को देखते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि उसके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, यानी इमेज है वो अच्छी सी बन जाती है लेकिन उसका रिजोल्यूशन नहीं होता ज़्यादा, कि ज़्यादा क्लियर कट वो इमेज नहीं बन पाती है। इस टाइप का विजन जो होता है उसको अपन मोज़ेइक विजन कहते हैं, जो रात के अंदर, क्योंकि स्पेशली ये नॉक्टर्न एनिमल्स होते हैं ना, बहुत तेज़ी से भागने वाले एनिमल्स होते हैं, फ्लाइट कम करते हैं, मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था। तो इस टाइप के जो विजन होते हैं उसको मोज़ेइक विजन कहते हैं। ये रात में लाइट कम होती है ना, तो उस समय ये फूड को फाइंड आउट करने में ये इसको हेल्प करते हैं। ठीक है, दिन में तो ज़्यादा लाइट होती है लेकिन रात में लाइट कम होती है, तो इसके अंदर क्या होती है, मोज़ेइक विजन की वजह से जो फूड है उसका पता लग जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज बनती है वो सेंसिटिव टाइप की इमेज बनती है, यानी ये सेंसिटिव इमेज होती है, तो ये उसको फूड को इजीली ये फाइंड आउट कर सकती है, ये लोकेट कर सकती है। रिजोल्यूशन की यदि बात करें तो रिजोल्यूशन इसका क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ गई, ये हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपका यहाँ ख़त्म होता है। इसके साथ में अपन ने दो तीन पार्ट और भी स्टडी किए हैं कि कंपाउंड आइज है, उसके साथ में एंटीना भी पाए जाते हैं, ये भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और उसके बाद में अपन ने बात किया था मैक्सिलरी पल्प की, अपन ने बात किया था जो फूड को होल्ड डाउन करने का काम करते हैं। लेबियल पल्प की अपन बात करें जो लोअर लिप के नाम से अपन जानते हैं, सेकेंड मैक्सिला भी जिसको अपन कहते हैं। और अपने बात किया था लास्ट पार्ट के अंदर जो एनल सर्की होते हैं। एनल सर्की क्या होते हैं, देखो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एनल सर्की होता है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर होता है, ये भी सेंसिटिव पार्ट होता है। लेकिन जो दूसरा वाला पार्ट अपन बात कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं, एनल स्टाइल की जो बात कर रहे हैं। एनल जो स्टाइल होता है वो सिर्फ आपके मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बताया था मेल स्टाइल मारते हैं, इससे याद रखेंगे कि एनल स्टाइल मेल के पास होती है, फीमेल के पास नहीं होती है। क्लियर है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।